सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। पैर नहीं हाथ खींचो, समाज अपने आप ऊपर आ जाएगा। आज का पंचांग 29 फरवरी 2020, दिन शनिवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह 9:09 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र 6:42 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:20 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। धनु राशि 29 फरवरी 2020, दिन शनिवार, कोई नुकसान या अलगाव आपको फिर वापस जाने के लिए मजबूर कर सकता है। मन की शांति और जो टूटा हुआ है उसे जोड़ने के लिए इस मौके का फायदा उठाएं। दादा दादी या बुजुर्गों को आपकी देखभाल की जरूरत होगी। आराम करें और विलासिलता से बचें। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। अपने रोजाना जीवन से कुछ समय निकालें और नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा या पार्टी करें, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। प्रियजनों का साथ इस आनंद को और अधिक बढ़ा देगा। खुद पर भरोसा रखें और इस समय का मजा लें। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक आप उस काम की शुरुआत नहीं करते। बाहर की यात्रा इत्यादि का योग बन रहा है, इसलिए यदि विदेश जाने का मन बन रहा है या किसी तरह के कागजात को लेकर यात्रा इत्यादि पर जाना है तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इस समय में प्रयत्न करने से अचानक धन लाभ प्राप्त होने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, आपके काम समय से पूरे हो जाएंगे। यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो अच्छी तरह जांच करके ही कोई निर्णय लें। किसी से मिलने का मौका मिलेगा जिससे आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आज का दिन मन में कुछ चिंताएं बनी हुई है जिस कारण आपके काम में फोकस की कमी है। सावधानियां, करियर एवं शिक्षा के मामले में जातकों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत रहेगी। वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों में आपको थोड़ी सी विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी यदि आप मनचाही सफलता प्राप्त करने की सोच रही हैं तो। लव लाइफ की बात करें तो जीवन की तन्हाई या अकेलेपन से निजात पाने के लिए प्रेम के रंगों में खो जाएं। यह समय आराम, आनंद और भोग करने का है, जहां आपके निस्वार्थ प्रेम और चाहत को देखकर हर कोई आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। आप अचानक किसी खास के लिए प्यार महसूस करेंगी। आप दोनों आज कुछ वक्त साथ बिताएंगी और इस साथ का मजा लेंगी, जहां आप अपने साथी से अप्रत्याशित जगह पर मिल सकते हैं। अपने साथी के साथ सब कुछ शेयर करें। करियर की बात करें तो खुद के लिए और अपने कार्यक्रमों के लिए समय निकालें। आपका शारीरिक नियंत्रण और परिश्रम आपको आगे तक लेकर जाएगा। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आपको खराब स्वास्थ्य के कारण मेडिकल जांच का सामना करना पड़ सकता है। निवास के डर से खुलकर जीना ना छोड़ें। अब समय है अपने रोजाना के कामों से ब्रेक लेने का। नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा या पार्टी करना आपके मूड और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपने परिवार के सदस्य आपको और भी प्रफुल्लित करेंगे। आज अपने गुणों के कारण आप सबके आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। जीवन में गलतियां ना ढूंढें बल्कि उनके उपाय ढूंढें।
सेहत की बात करें तो आज के दिन आपके लिए आत्मविश्वास और दिमागी शांति वाला बना रहेगा। अच्छा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप स्वास्थ्य और आत्मविश्वासी बने रहेंगे। आप योग और ध्यान को भी एक जगह दे ताकि आपके अंदर आत्म शक्ति बढ़े। आज का उपाय, आज आप हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।